96% चैनल के हमारे पत्रकार साथी और मालिक एक दिशा में भागते हैं। इसलिए दिशा मत बदलो। सवाल यह है कि क्या घर घर बेरोजगारों को नौकरी मिली कि नहीं मिली, वो नहीं है। ये मैं जानता हूँ आप क्यों चला रहे हो, मुझे अपने चैनल का नाम बता दो। चैनल का नाम बताएं, ये नाम बता दें साथी का, प्रत्याशी का। हैं, देखिए आपको बजट कितना मिलता है बजट के हिसाब से आप बोलते हो, आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। जब मैं ये बात कहूँ कि 1,00,000 किसान आत्महत्या कर चुका है 9 साल में, तो उसका जवाब है कि आप भारत 24 पर। देखिए इधर आपने देखा होगा हर गांव में टीवी या एलईडी वैन चल रही है। हमारे प्रधान दुखी हैं कि उनकी जेब से पैसा लिया जा रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि परेशान है कि उनकी जानकारी में नहीं है। सीट शेयरिंग कोई बड़ा सवाल नहीं है, बड़ा सवाल यह है कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। देखिए मैं आपको ये कहता हूँ, स्पॉन्सर मत करिए अपनी न्यूज। मैंने कहा कि 96% चैनल के हमारे पत्रकार साथी और मालिक एक दिशा में भागते हैं। इसलिए दिशा मत बदलो। सवाल यह है कि क्या घर घर बेरोजगारों को नौकरी मिली कि नहीं मिली, क्या पीड़ित लोगों को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सर जिस गांव में आए ईवीएम को लेकर आपके मंदिर जाने वाले बयान पे सर केशव कोरे ने कहा है कि अपना पाप भूले आएंगे। देखिए मैं कोई वो नहीं है, ये मैं जानता हूँ आप क्यों चला रहे हो, मुझे अपने चैनल का नाम बता दो। चैनल का नाम बताएं, ये नाम बता दें साथी का, प्रत्याशी का। हैं, देखिए आपको बजट कितना मिलता है बजट के हिसाब से आप बोलते हो, आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। जब मैं ये बात कहूँ कि 1,00,000 किसान आत्महत्या कर चुका है 9 साल में, तो उसका जवाब है कि आप भारत 24 पर। और जो कश्मीर में हुआ है, आप भरोसा दिलाना चाहते हो, भरोसा जीतना चाहते हो कि आपके फौज के लोगों ने नहीं जान ले ली, निर्दोष लोगों की, सिविलियंस की जान ले ली। उसके लिए क्या रक्षा मंत्री को जाकर उनके परिवार से नहीं मिलना पड़ा? तो फेलियर आपका है, नोटबंदी आपका फेलियर, फार्मर्स की आय दोगुनी आपका फेलियर, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट, आपका कैश सर्कुलेशन सबसे ज्यादा, आप क्या दिखाना चाहते हो? और 80 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है। ये समझेगी, क्योंकि हमारे साथी कुछ और समझाना चाहते हैं। और जनता समझेगी और बहुत करीब पहुंच करके समाजवादी पीछे रह गई, वरना समाजवादियों को तो जनता ने समर्थन दे दिया था। आजमगढ़ लोकसभा सदर लोकसभा सीट के चुनाव लड़ने के लिए देखिए आपके ईवीएम पर। देखिए इधर आपने देखा होगा हर गांव में टीवी या एलईडी वैन चल रही है। हमारे प्रधान दुखी हैं कि उनकी जेब से पैसा लिया जा रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि परेशान है कि उनकी जानकारी में नहीं है। चुन गई पार्टी दूसरी, वोट मांगा जा रहा दूसरे का। दुनिया में अगर विकसित भारत बनाना चाहते हैं आप, तो विकसित देशों की आपको कुछ तो चीजें अपनानी पड़ेंगी। अगर विकसित देश अमेरिका है, विकसित देश जापान है, विकसित देश जर्मनी है, और विकसित देश अगर इंग्लैंड मानता है अपने आप को, और दुनिया में बहुत सारे देश हैं, आप अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा जगाइए। और जो विकसित देश कर रहे हैं, जर्मनी के सबसे बड़े कोर्ट ने ये कहा कि अगर ईवीएम से वोट पड़ेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। क्या हम उस दिशा में काम करने जा रहे हैं? इसीलिए समाजवादी पार्टी का मानना है बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम अपने आप हट जाएगी। सर 24 चुनाव को लेकर आजमगढ़ में सभा किस तरह का दावेदार मायती जी को बना दिया? तुम्हारा चैनल ही जाने किस दिशा में जा रहा है, इसके सिग्नल किसी और सैटेलाइट से कनेक्ट हो गए हैं। बीजेपी शासन निरहुआ ने बयान दिया है कि आजमगढ़ 24 में अगर अखिलेश आएंगे तो किसने कौन कह रहा है? बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ छोड़िए। देखिए मजा किसको आएगा, मजा तुम तो नहीं लेना चाहते हो? नहीं सर, बयान है मेरे पास। अच्छा बयान है तो कोई बात नहीं, बयान अपने पास रखिए, रिकॉर्ड के खूब चलाइए आप। देखिए जनता तय करेगी, आप जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आते हैं क्या उस गुणवत्ता से बना? आप में से जितने पत्रकार साथी खड़े हो,
मैं फिर कहता हूं, और गूगल पे देख करके या वेबसाइट पे देख करके ऑफिशियल रिकॉर्ड निकालना। मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये कहा कि जो गोरखपुर लिंक है वो 3000 करोड़ का बन रहा है, सच्चाई है कि वो 6000 करोड़ का है। तो सोचिए आप, 90 किलोमीटर सड़क 6000 करोड़ की बन रही है, और कब बन जानी चाहिए थी, आज तक नहीं बन पाई, ये सवाल ही नहीं है आपके लिए। सरकार बनेगी तो और अच्छी होंगी। भगवान क्या से किसी का निमंत्रण नहीं आता है, भगवान अपने आप बुलाते हैं सबको। नहीं, भगवान आपको पता है कि भगवान ने बुलाया हमें, और जब तुम्हें बुलाएंगे भगवान हमें भी नहीं पता होगा। क्यों, अगर भगवान का बुलावा आ जाए तुम्हारे लिए तो क्या हमें पता होगा? तो जब बुलावा आएगा तो हम लोग जाएंगे, हम उसी परंपरा के लोग हैं, हम उसी परंपरा। देखिए, पीडीए के लोगों की कोई पूछ नहीं है। वो एक संगठन, वो क्यों आप नहीं उत्तेजित दिखाई दे रहा? किसने बता दिया आपको? नहीं, उससे अच्छा परिणाम आएगा इस बार, देखिएगा। परिणाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जनता के मुद्दों की बात कर रहा हूँ सर। जनता के मुद्दों पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है, लड़ रही है, और आपको आगे आने वाले समय में परिणाम भी दिखाई देगा। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से कौन प्रत्याशी होंगे? संसदीय क्षेत्र से कौन आएगा, कौन प्रत्याशी होंगे, ये आपके परिवार से या कोई अन्य? देखिए, प्रत्याशी पार्टी के कार्यकर्ता नेता तय करेंगे, और मैंने आपसे कहा कि गठबंधन हराएगा, बीजेपी हारेगी, और गठबंधन बीजेपी को हराने जा रहा है। चलिए।